हेलो बच्चों, हेलो चिल्ड्रन। टुडे वी टीच अबाउट चैप्टर नंबर 9, डेटा हैंडलिंग, सब्जेक्ट मैथ्स। ओके, मैथमेटिक। ओके, क्लास 1। ओके, हमने इसके पहले पहले वीडियो में देखा। आज की होमवर्क आपकी ये रहेगी, डेटा हैंडलिंग। ओके, बट है ना, ये छोटा, बहुत छोटा ही चैप्टर है, तो हम फटाफट इसको कंप्लीट कर देंगे। बट मैंने रिवीजन में आपको मिसिंग चैप्टर नंबर 7 और 8 करना है। ओके, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से करवा दूँ आपको कि लाइक लॉन्गेस्ट। ओके, ये है देखो आपको, लॉन्गर एंड शॉर्टर, मतलब कि लंबाई में जो ज़्यादा है, शॉर्ट मतलब कि कम है ना, जो सबसे। फिर यहाँ पर लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट मतलब कि सबसे लंबा है ना, और शॉर्टेस्ट मतलब कि सबसे छोटा। ओके, तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में रहेंगे, पिक्चर के साथ में आपको थिकर एंड थिनर, टॉलेस्ट एंड शॉर्टर। ओके, थिकेस्ट एंड थिनेस्ट। ओके, तो आपको ये सब समझ लेना है। ओके, थिकेस्ट क्या है, थिनेस्ट क्या है। ओके, फिर ये चैप्टर मेजरमेंट। ओके, ये मेजरमेंट भी है देखो यहाँ पे। ओके, ये सब रिवीजन करना है बट आपको मेजरमेंट। ओके, फिर सेकंड चैप्टर है नंबर फ्रॉम टू 21 to 50, ऐसे ही आपको आएंगे। ओके, क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो ये राइट द नंबर, ऐसे नंबर राइट करना होगा। ओके, एग्जाम में आने वाला है। ओके, तो आपको ये मम्मा को बोलना है कि ये सब रिवीजन करवाए। ओके, और मिसिंग राइट द मिसिंग नंबर। ओके, 1 to 50, ये रिवीजन होगा। ओके, चैप्टर नंबर 7 और 8। चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब कि ये पिक्चर दी गई हुई है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, ये ट्राइंगल है, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल। तो हाउ मैनी इन यहाँ पर पिक्चर में काउंट करना है, काउंट एंड शेप इन द अबो पिक्चर। यहाँ पर पिक्चर में कितने हैं ट्राइंगल, स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं, आपको काउंट करके लिखना है। चलो हम ट्राइंगल से स्टार्ट कर देंगे। ट्राइंगल से स्टार्ट करें ना, ये काउंट एंड द शेप इन द अबो पिक्चर, तो ये दोनों में से स्टार्ट करते हैं। तो ये चलो ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये है 22। यहाँ दिखाई दे रहा है और कोई कहीं नहीं। ओके, तो कितने हुए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, तो 22, राइट हियर 22। ओके, फिर नेक्स्ट हम काउंट करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर काउंट करेंगे। चलो यहाँ पर है कहीं पर स्क्वायर, नो दिस, नो नो नो, आपको भी बुक लेनी है हा? मेरे साथ में और मेरे साथ ही काउंट करते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये है लास्ट वाला 7। ये सारे तो क्या है, स्क्वायर नहीं है ना, तो 7, हाउ मेनी 7, तो राइट है 7। और नाउ सर्कल, तो सर्कल कितने हैं यहाँ पर काउंट करना है, ये 1। ओके, 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये बड़ा वाला 7 और ये 8। ओके, है अभी सर्कल, इसको नहीं काउंट करना, ये है सर्कल पर नहीं काउंट करना है। ओके, तो कितने हुए, 8, तो यहाँ पर सर्कल राइट करना है 8। ओके, फिर है रेक्टेंगल, तो यहाँ पर चलो हम काउंट करते हैं कितने हैं रेक्टेंगल, बहुत कम होंगे, होंगे सबसे कम होंगे, तो 1, 2, 3 और ये 4 और ये बड़ा वाला 5। ओके, ये ओके, तो यहाँ पर बाकी है ही नहीं, तो यहाँ पर 5। ओके, ओके, फाइन बच्चों, समझ में आया बच्चों, ऐसे ही काउंट करके आपको लिखना है। चलो अभी सेकंड, नेम द शेप दैट ओकर्स दैट मोस्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा हो, तो ट्राइंगल 22 है, तो ये सबसे ज़्यादा है ना ट्राइंगल,
पिक्चर में, तो यहाँ पर लिखना है ट्राइंगल, ओके, उसके नेम लिखना है, नेम द शेप, तो ट्राइंगल, ट्राइंगल स्क्वायरिंग क्या होगी, टी आर आई एन जी एल ई, ट्राइंगल, टी आर आई एन जी एल ई, ओके। फिर द ओकल्स द लिस्ट, सबसे कम हो शेप, ओके, उसका नेम लिखना है, तो सबसे कम है कौन है, फाइव, तो फाइव कौन है, रेक्टेंगल, तो यहाँ पर राइट करना है रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, बोलते जाना लिखते जाना, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल, ओके, सबसे कम है ना बच्चों। और ये आज का होमवर्क रहेगा बच्चों, ये होमवर्क रहेगा आज का, आपको ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना ये चैप्टर। और नाउ सेकेंड है, देखें यहाँ पर, दिस चिल्ड्रंस आर फ्रेंड्स, ओके, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दिस चिल्ड्रंस आर फ्रेंड्स, सब ये फ्रेंड है, ओके, उनके नेम दिए गए हैं ना, क्या है, नेम दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें बोला है कि काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच नेम वर्ड, अभी ये नेम है, फ्रेंड्स के नेम है, देखो यहाँ पर है ना, तो इसके नंबर को काउंट करके यहाँ पर लिखना है, ओके, ये है सलमा लिखा हुआ है, तो फर्स्ट है एस, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने लेटर हैं, फाइव, तो यहाँ राइट करना है फाइव, और ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितने लेटर हैं, सिक्स, तो यहाँ राइट करना है सिक्स, ओके, वन टू थ्री फोर, कितने लेटर हैं, फोर, तो यहाँ राइट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो राइट हियर सिक्स, ओके। फिर गीता, तो गीता में कितने लेटर है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ फाइव राइट करना है, ओके। फिर वन टू थ्री फोर, आशा में फोर नंबर है, फोर लेटर है, तो यहाँ पर फोर, फिर सुबु, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पर फाइव, ओके, राइट करेंगे फाइव, ओके। नेक्स्ट है वन टू थ्री फोर फाइव, कितने हैं, फाइव, ओके। फिर नेक्स्ट है वन टू थ्री फोर, तो राइट हियर फोर, अंडरस्टैंड बच्चों, आपको इतना ही करना है, ओके, ये लेटर को काउंट करके यहाँ पर लिखना है ना, क्या करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, जैसे कि आपका नेम हो, मेरा नाम है लाइक नीता, ओके, मेरा नाम नीता है, तो मेरा नाम मैंने लिखा है, तो कितने नंबर है, वन टू थ्री फोर, समझ में आए, तो मैं ऐसे लिखूंगी फोर, है ना, समझ में आए बच्चों, ओके, तो हमने ऐसे लिखा है, ओके। फिर हाउ मेनी नेम्स हैव फोर लेटर, अभी कितने नेम ऐसे हैं कि जिसके फोर लेटर, तो फोर लेटर मतलब कि ये, ओके, फोर लेटर वाले, हाउ मेनी नेम्स हैव फोर लेटर, हमारे पास फोर लेटर वाले कितने नेम है, तो फोर पे काउंट करना है, वन, ये फोर लेटर वाला नेम है, ओके, देखो ये रवि, ये फोर लेटर वाला नेम है, ओके। फिर ये आशा है ना, ये फोर लेटर वाला नेम है, ओके। फिर ये अरुण है ना, ये फोर लेटर वाला नेम है, और कोई है फोर लेटर वाला नेम, नहीं है, तो कितने हुए, वन टू एंड थ्री, ओके, कितने हुए, थ्री, तो यहाँ राइट करना है थ्री, आंसर इज अवर थ्री, ओके। हाउ मेनी नेम्स हैव फोर लेटर, फोर लेटर वाले हमारे पास कितने नेम है, ओके। फिर है हाउ मेनी नेम्स हैव फाइव लेटर, तो फाइव लेटर, फाइव अक्षर वाले नेम कितने हैं हमारे पास, तो यहाँ फाइव में काउंट करना है, ये वन टू थ्री और फोर, ओके, वन, देखो यहाँ पर वन टू थ्री और फोर, कितने नेम ऐसे हैं कि फाइव लेटर हैं, तो फोर नेम ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, देखो ये फाइव लेटर वाले, सलमा का फाइव लेटर है, देखो सलमा फाइव लेटर है, ओके। फिर है इसके सामने देखो गीता, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव लेटर है ना गीता। फिर है सुबु, तो यहाँ पर फाइव लेटर है ना सुबु। फिर है अहमद, तो फाइव लेटर नेम है ना, तो कितने हुए, वन। फिर ये नाम टू थ्री और फोर, बच्चों देखो समझो हाँ कि फोर नेम ऐसे हैं जिसके फाइव लेटर हैं ना। फिर हाउ मेनी नेम्स हैव सिक्स लेटर, तो अभी सिक्स लेटर वाले नेम कितने हैं,
तो हम देख सकते हैं हमने पहले लिख दिया है ना, तो सिक्स लेटर वाली ये नाम है, तो ये ओके, ये सिक्स लेटर वाले वन और ये टू, कितने हैं? टू नेम ऐसे हैं सिक्स लेटर वाले, कितने हैं? टू नेम, ओके टू नेम कौन सा है? चिंटू और ये जोसेफ, जोसेफ और चिंटू के नेम ऐसे हैं जिसके नेम में सिक्स लेटर आते हैं ना, तो हमने यहाँ राइट कर दिया। ओके तो अभी आपको क्या करना है, हाउ मेनी टाइम्स एस कम्स इन ऑल नेम्स टेकन टुगेदर। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि ये पूरे नाम है, देखो यहाँ पर पूरा नाम है, पूरा नाम है, उसमें एस 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 कहाँ कहाँ आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है एस? ओके तो हमें अभी अक्षर को देखना है। ओके ये लेटर देखा ना हमने, तो यही लेटर को हमने एस में पर्टिकुलर सब में टोटल नेम में एस कितनी बार आ रहा है तो हम काउंट करेंगे। ये वन एस है, ए वन सर्कल कर दो फिर काउंट करेंगे, ओके एस को सर्कल कर दो, फिर ए टू, ओके फिर एस कहाँ आ रहा है? नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये रहा एस। ओके फिर इसमें है यस, इसमें भी है, ओके इसमें है नो, इसमें एस है नो, ओके तो इसमें एस है, देखो फिर से देखो 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 कहाँ रह गया, सलमा जोसेफ अरुण चिंटू गीता आशा सुबू, ओके फिर अहमद नहीं रह गया, नहीं रह गया तो हम काउंट करेंगे, ये वन एस, ये टू, ये थ्री और फोर, कितने हैं ऐसे? फोर, तो यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स, तो फोर टाइम है ऐसे, कितने टाइम है? फोर टाइम, ओके हाउ मेनी सेकंड, चलो हाउ मेनी टाइम्स ए कम्स ऑल नेम टेकन टुगेदर। अभी इसमें ए को, मेरे जैसे ही ए को आपको काउंट करना है, चलो हम ए को काउंट करेंगे, एक अभी इसको स्क्वायर बनाते, एक वन टू, ए को स्क्वायर करते, ओके थ्री, आपको भी दिखे तो मुझे बोलना, मिस रह गई, चलो ए को मैंने स्क्वायर कर दिए, ओके देखो यहाँ रह गया कोई स्क्वायर, ओके तो कितने हैं, चलो हम स्क्वायर को काउंट करते हैं, वन ए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और लास्ट में नाइन, ओके आपको भी ऐसे शांति से काउंट करना है, ओके नाइन, अंडरस्टैंड बच्चों? टुडे होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क आपको ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, ओके डेटा हैंडलिंग वाली, कि यहाँ पर जो पिक्चर दिए हैं, डेटा हैंडलिंग मतलब कि पिक्चर दिए उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना, ये वन और टू पेज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, होमवर्क क्या है टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक दोनों में आपको राइट दिस क्वेश्चन, ओके राइट टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक क्या राइट करना है, ये दोनों, ओके वन और टू, ओके बच्चों आज इतना ही, ओके और मम्मा को बोलना कि एग्जाम स्टार्ट होने वाली है तो डेटा हैंडलिंग नहीं है उस चैप्टर में, बट दो चैप्टर हैं सेवन और एट नंबर, आप ये रिविज़न करो अच्छे से करो, ओके राइट अ नंबर इक्वेशन करो रिवीजन में, ओके राइट अ नंबर नंबर फ्रॉम 24 to 40, ओके फिर फिल इन द ब्लैंक, ओके ये सारा रिवीजन करो और मिसिंग मोस्ट आई पी राइट मिसिंग नंबर 1 to 50, ओके अब ये लर्न करो अच्छे से लर्न करो, ओके फिर ओके ये सारा लर्न करो, ओके मेरे मैंने बुक वीडियो रखा है कि हैवीएस्ट क्या है, लाइटर क्या है, हैवीएस्ट मतलब सबसे भारी हो है ना, हल्का मतलब लाइट मतलब कि सबसे हल्का हो, ओके उसमें ओके ये सब रिवीजन करो आप, ओके वेरी गुड, चलो नाउ टेक केयर बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।